नमस्कार, टारगेट वीरालो के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ILO ने भारत में श्रम कानूनों की स्थिति को लेकर जताई चिंता, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत। NPCI ने शुरू किया PAI चैटबोट सेवा, ग्राहकों को मिलेगी ज्यादा सहूलियत। NDB के संचालक मंडल की बैठक, ब्राजील के मार्कोस ट्रायोजो को चुना गया अगला अध्यक्ष। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने भारत में श्रम कानूनी स्थिति को लेकर चिंता जताई है। ILO ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस संबंध में राज्यों को स्पष्ट संदेश दिए जाएं। आपको बता दें, इसी महीने के शुरुआती दिनों में 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने आवेदन किया था कि देश में श्रम कानूनों के निलंबन के मुद्दे पर ILO हस्तक्षेप करे। लिहाजा इस मुद्दे पर ILO संज्ञान लेते हुए श्रम संगठनों को पत्र लिखते हुए ILO के अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक विभाग के फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन शाखा के प्रमुख करेन कर्टिस ने कहा कि ILO के महानिदेशक गई राइडर ने श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। ILO ने पाया कि राष्ट्रीय संगठनों ने राज्य सरकारों के कदमों पर जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और श्रम कानूनों की अवहेलना की है। दरअसल COVID-19 महामारी के दौर में उत्पादन और मांग में कमी के मद्देनज़र देश के तमाम उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार के लिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लिहाजा उत्तर प्रदेश, गुजरात सरकारों ने अपने अपने श्रम कानूनों में बदलाव करके कुछ समय के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले 3 सालों के लिए विशेष कानूनों को छोड़कर लगभग 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि श्रम कानून का वह भाग है जो रोजगार, पारिश्रमिक, मजदूरों के काम करने की शर्तों, श्रम संघों और औद्योगिक संबंधों जैसे मामलों पर लागू होता है। श्रम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका मतलब है कि श्रम से संबंधित कानून का निर्माण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल श्रम कानूनों को लागू कर सकते हैं, लेकिन उनको केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। एक अनुमान के मुताबिक देश में 200 से अधिक राज्य कानून और 50 केंद्रीय कानून लागू होने के बावजूद भी श्रम कानूनों को परिभाषित नहीं किया जा सका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, जो मुख्य तौर पर वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ILO के तहत होने वाली वार्ताओं में सरकारों, श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और सदस्य राष्ट्रों के नियोक्ताओं को एक मंच पर लाया जाना है। आपको बता दें कि भारत ILO का संस्थापक सदस्य है। भारत की संसद ने ILO के 47 कन्वेंशनों की पुष्टि की है, जिनमें से कुछ काम के घंटों, श्रम, जांच, एक समान वेतन, दुर्घटना की अवस्था में मुआवजा सहित अन्य प्रावधानों से जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने फास्टैग, रुपए और UPI जैसे उत्पादों के बारे में रियल टाइम जानकारी और जागरूकता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित चैटबोट लॉन्च किया है। इससे भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सकेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट चैटबोट 24 घंटे प्रत्येक दिन लोगों को NPCI के सभी पेमेंट से संबंधित प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक करेगा। ग्राहक NPCI रुपए और UPI की वेबसाइट पर टेक्स्ट या आवाज के जरिए अंग्रेजी या हिंदी किसी भी भाषा में अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर PAI के माध्यम से ग्राहकों को तुरंत मिल जाएगा। PAI को बंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी को रोवर प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 20 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है, जो अपने पर्यावरण को देखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है।
वहीं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एकमात्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में किया गया था। भारत के स्वदेशी पेमेंट कार्ड रुपे के विकास में NPCI की भूमिका अहम मानी जाती है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालक समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के वित्त पोषण में NDB के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारत सहित सभी देशों के विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संचालक समिति की इस बैठक में ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को NDB का नया अध्यक्ष चुना गया। वह 7 जुलाई 2020 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मार्कोस भारत के मौजूदा अध्यक्ष केवी कामत का स्थान लेंगे। आपको बता दें कि केवी कामत को 2014 में NDB का पहला अध्यक्ष चुना गया था। इस बैठक में फैसला लिया गया कि NDB के अगले उपाध्यक्ष और CRO भारत के अनिल किशोर होंगे। गौरतलब है कि NDB ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बैंक है जिसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। आपको बता दें कि ब्राज़ील के फोर्टालेजा में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2014 में 100 अरब डॉलर की शुरुआती पूंजी के साथ NDB की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इस धनराशि में सभी सदस्य देशों की बराबर की हिस्सेदारी है। भारत के केवी कामत NDB के पहले अध्यक्ष थे। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार होगा आपकी परीक्षाओं से। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने पूर्व विश्व चैंपियन और खेल रत्न पुरस्कार विजेता मीराबाई चानू का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया है। महासंघ चानू के साथ कुछ और खिलाड़ियों का नाम भेजा है जिसमें रगाला वेंकट, पूनम यादव जैसे नाम भी शामिल हैं। मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। चानू ने वर्ष 2017 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था। वहीं वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इससे पहले मीराबाई चानू ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस एक्स रॉकेट को खराब मौसम की वजह से टाल दिया गया है। इस स्पेस एक्स रॉकेट को कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A से उड़ान भरना था। यह वही जगह है जहां से नील आर्मस्ट्रांग और उनका अपोलो चालक दल अपनी ऐतिहासिक यात्रा के लिए चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था। अब आगामी 30 मई को इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो दुनिया में पहली बार होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी इस तरह के लॉन्च को अंजाम देगी। ऐसा करने वालों में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश ही शामिल हैं। आपको बता दें कि स्पेस एक्स नासा के दो पायलट डग हर्ली और वाव वेंकन के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर बुधवार को कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने वाला था। यह पहला मौका है जब सरकार के बजाय कोई निजी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज रही है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार उन्होंने पिछले एक वर्ष में 3.74 करोड़ डॉलर की कमाई की है। दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ओसाका ने कमाई के मामले में अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया है। सेरेना पिछले एक वर्ष में पुरस्कार और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में $14 लाख की कम कमाई की है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। अब इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग महाराष्ट्र सरकार COVID-19 के रोगियों के उपचार के लिए करेगी। सरकार ने न सिर्फ अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है बल्कि वहां कार्य करने वाले चिकित्सकों और अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून यानी मेस्मा लागू करने का निर्णय लिया है। यानी अब इन अस्पतालों में इलाज कराने वाले कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए लिया जाने वाला शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सरकार के इस पहल से रोगियों को अस्पतालों की मनमानी से बचाया जा सकेगा। इससे सरकार सभी को कम खर्च में अच्छे इलाज की व्यवस्था कर सकेगी।
22 मई 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की, ताकि जिन मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बनाकर उनको योग्यता अनुसार काम दिया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को भी संबल योजना से जोड़ा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।